आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के लघु सचिवालय की हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों की बैठक ली। बैठक में जहां पार्षदों ने अपने वार्डों में हो रही बदहाली का रोना रोया, कांग्रेस पार्षद जितेंद्र भड़ाना ने बताया कि पिछले 4 साल से कोई विकास कार्य नहीं कराए गए हैं और अब उनको मंत्री और अधिकारियों ने लॉलीपॉप थमा दिया है। अगर उनके काम नहीं हुए तो वो सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ही बहुत सारे पार्षद मीटिंग में नहीं आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि पार्षदों में भारी रोष बना हुआ है। यहाँ तक कि मेयर और डिप्टी मेयर और अन्य किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। वही हुआ जो 4.5 साल पहले जब नगर निगम बना था मार्च में, जो 2 करोड़ रुपए की जैसे घोषणा की थी उसमें से आज तक 1 रुपए का कोई काम नहीं हुआ। पीछे अभी 1 करोड़ की हुई थी उसमें से कोई काम नहीं हुआ। आज के दिन नई घोषणा के साथ लॉलीपॉप दिए गए। क्या लॉलीपॉप दिया गया? यही कहा है कि मैं तुम्हारे के अंदर काम शुरू हो जाएंगे करके। किसने दिया है? भारत सरकार के मंत्री जी हैं, मेयर है, कमिश्नर मैडम ने बोला है। दूसरा जवाब इसी से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं का मेयर है, उन्हीं का मुख्यमंत्री, उन्हीं का मंत्री है। और एक स्ट्रीट लाइट ठीक होने के लिए वो गिड़गिड़ा रहे हैं, अफसर उनके सुन नहीं रहे, सीवर का काम नहीं कर रहे, 10-10 हज़ार की नालियों का काम नहीं हो रहा, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है करके। तो कुल मिला के कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला मीटिंग? मंत्री जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नाराज़ ही नहीं पार्षद, कोई नाराजगी नहीं पार्षदों। इतने पार्षद मीटिंग में आए मंत्री 40 में से जब 20 पार्षद मीटिंग में नहीं आए, जिससे ज़्यादा और क्या आप देख सकते हैं? भाजपा के पार्षद नहीं आए मीटिंग में 20-10 को, इससे ज़्यादा आप क्या नाराजगी देख सकते हैं? हो सकता है कोई सामने नहीं बोलना चाह रहा हो, मीटिंग से बाइकॉट कर दिया उन लोगों को, तो नहीं आ पाए। पार्षद राकेश का कहना है कि वो किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, जल्द ही चुनाव भी होने वाले हैं। 15,000 तक के काम भी निगम नहीं करवा पा रहा है। अधिकारी पैसे के लिए मना कर देते हैं तो ऐसे में मूलभूत सुविधाओं के लिए भी पार्षद बार बार चक्कर लगा रहे हैं, जबकि काम जनता के लिए करवाने हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी काम पार्षद कराने जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं। आप ये विश्वास कीजिए कि 10 से 15 हज़ार रुपए का भी कोई काम हो उसके लिए भी वो कहते हैं कि फंड की कमी है। तो ये मतलब ये मुद्दा इस वजह से नाराज़गी थी और सारे पार्षद ये चाहते थे कि इलेक्शन का समय आ रहा है तो किस तरह से आपने जनता के बीच में जाएंगे, तो उसी वजह से ये मीटिंग मंत्री जी ने। वही नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने बताया कि ये रूटीन की मीटिंग है, जल्द ही उनके पास पैसे आ जाएंगे और टेंडर लगा दिए जाएंगे ताकि समय खराब ना हो, और जो 1 करोड़ रुपए की बात है वो भी जल्द ही आ जाएंगे। कई इश्यूज होते हैं जो कि वेरियस लेवल पर हमें डिस्कस करते होते हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे थे। और 1 करोड़ की जो पैसे की आप बात कर रहे हैं वो पैसे जल्द ही आएंगे, और जल्द आएंगे तब तक हम टेंडर उनके लगा लेंगे ताकि हमारा समय जो है वेस्ट ना हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि अब जल्दी हमारे जो 1 करोड़ के काम है वो ग्राउंड पर। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का दावा है कि कोई पार्षद नाराज नहीं है और जल्द ही पूरे वार्ड में विकास कार्य होंगे। उनका कहना था कि पार्षदों में कोई रोक नहीं है, ये एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें समस्याओं को रखा गया है और समस्या किसी की भी हो सकती है। सुलह कुछ नहीं है, नहीं हुई, नहीं सुलह, सुलह कहीं झगड़ा हो तो सुलह हो, ये तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों पूरे एकता के साथ चल रहे हैं। आज विकास के कामों को लेके और आने वाली बरसात में पानी का लॉगिंग कहीं ना हो उसको लेके आज बैठक बुलाई गई थी, और पार्षद को जो चुने नुमाइंदे हैं उनके कुछ काम थे, उनके बारे में आज चर्चा हुई है, उनकी समस्याएं सुनी गई हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किया गया है, और सब मिलजुल कर फरीदाबाद के विकास के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो पार्षद हों, चुने हुए MLA MP हों, चाहे हमारे यहाँ के अधिकारी हों, मेयर साहब हों, सब फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की हैं और सबने एक मत से फरीदाबाद का हम कैसे विकास कर सकते हैं, फरीदाबाद के रेवेन्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा पैसा जो रिकवरी है उसको हम कैसे ला सकते हैं, सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। और सबने एक मत से नगर निगम में विकास हो, उसकी रिकवरी आए, और सब मिलजुल कर इसके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काम। बहरहाल मंत्री जी कितना भी छुपा ले, लेकिन नगर निगम फरीदाबाद के पार्षदों में विकास कार्य को लेकर भारी रोष बना हुआ है। इसी के चलते लघु सचिवालय में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों और अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जिसमें पार्षदों को राजी करने के लिए वर्कर्स प्रयास किए गए, लेकिन निगम पार्षद असंतुष्ट नजर आए। पार्षदों का आरोप है कि उनको विकास के लिए 4 साल पहले 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक 1 रुपया भी उनको नहीं मिला है, उनके क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। ऐसे में मंत्री और अधिकारी उनको सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि करीब 15 से 20 पार्षद मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।
सत्य सटीक बेबाक।